हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कराची का हलवा, जिसे बॉम्बे हलवा भी कहते हैं, और जो बहुत ही टेस्टी बनता है, जिसे आज हम घर पर ही बनाने जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी से बन कर के तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कराची का हलवा। इसको बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है उसको पहले हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया है, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आधी कटोरी देसी घी लिया है और एक कटोरी चीनी लिया है। ये तीन सामान इसके मेन सामान हैं, बाकी के सामान ऑप्शनल हैं। आप इसमें से कुछ सामान स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ये काजू और पिस्ता लिया है, ये हमने गार्निश करने के लिए लिया है। कुछ हम इसमें अंदर डालेंगे और कुछ ऊपर से गार्निश करेंगे। ये आधा चम्मच हमने नींबू का रस लिया है, जिसे हम चाशनी में डालेंगे। ये चार पांच इलायची का हमने पाउडर लिया है। यहाँ पर हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है, जो हम हलवा में डालेंगे। आप इसकी जगह पे कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। कुछ काजू हमने साबुत लिए हैं। कॉर्नफ्लोर को हमने एक बाउल में डाल दिया है। अब जितना हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसका दोगुना पानी लेंगे, यानी कि एक कटोरी कॉर्नफ्लोर है तो इसमें हम दो कटोरी पानी डालेंगे और इसका हम एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। इस घोल में हमें एक भी लम्स नहीं चाहिए, एकदम बढ़िया सा घोल तैयार करना है। कुछ देर चलाते हुए हमने इसका घोल तैयार कर लिया है। अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें हमने कटोरी चीनी को डाल दिया है। इसमें हम दो कटोरी पानी डालेंगे और चीनी को घुलने देने तक हम पकाएंगे, यानी कि जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है तब तक हम उसको पकाएंगे। ये नींबू का रस भी हमने इसमें डाल दिया है। नींबू का रस डालने से चीनी में दाने नहीं पड़ते हैं। इलायची पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया है। ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना भी डालें। और जो हमने कलर लिया था, कलर भी हमने चाशनी में डाल दिया है। चाशनी बनकर के तैयार हो गई है। हमको चाशनी को बहुत गाढ़ा नहीं करना है। अब इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था उसको डाल देंगे। डालने से पहले हमको इसको ऐसे चला लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। इसको डालते समय हम एक हाथ से कॉर्नफ्लोर डालेंगे और एक हाथ से हम चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इस तरह से हमको इसको कंटिन्यू चलाना है और जो इसकी गैस की फ्लेम है उसको हमें स्लो कर देना है। देखिए, इसमें ये जमने लगा है और ये पकने लगा है। इसको हमको कंटिन्यू चलाते रहना है, चलाएंगे नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। जब तक इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए तब तक हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। देखिए, ये ठीक होने लगा है और इस सब पकाते समय इसकी फ्लेम हमें एकदम स्लो ही रखनी है, तेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी हमको एक साथ नहीं डालना है, एक एक चम्मच करके इसमें घी डालना है। एक चम्मच घी डालने के बाद जब ये पूरा घी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तब हम दूसरा चम्मच डालेंगे। घी हमको इसमें सारा डालना है, लेकिन हम एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब दूसरा चम्मच भी जो हमने घी डाला था वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। दूसरा चम्मच भी घी इसमें सोख लिया है। इसी तरीके से हम बार बार इसमें घी डालेंगे और चलाते रहेंगे और धीमी आंच पर पकाते रहेंगे, जब तक कि घी इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए। तब तक कि हमको इसमें घी डालना है और चलाते रहना है। एक कटोरी कॉर्नफ्लोर के लिए आधी कटोरी घी एकदम पर्याप्त है। इसका जो रेशियो है वो एकदम सही है। इतना घी डालने के बाद ये घी लेना बंद कर देता है और ये शाइनिंग आती जाती है। जैसे जैसे घी डालेंगे चलाएंगे वैसे वैसे इसमें शाइनिंग आती जाएगी। अभी जो बचा हुआ घी है इसको हम सब इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद हम इसको बराबर चलाते रहेंगे और फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जब अच्छे से पक जाता है तभी ये हलवा रबड़ की तरह से बढ़ता है, तभी ये बढ़िया से तैयार हो जाता है।
और इसमें हमने जो काजू काट करके रखे थे वो भी हमने डाल दिए हैं। इसकी जगह आप चाहें तो खरबूजे का जो बीज होता है आप उसको भी डाल सकते हैं, या अपने मन पसंद के जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उनको डाल दीजिए। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इधर हमने एक पॉट लिया है, इसमें हमने घी लगा करके उसको ग्रीस कर दिया है। पूरा हलवे का जो डो है ये पूरा इसी में डाल देंगे। डालने के बाद ऐसे हिला देंगे, टैप कर देंगे और इसको हम ऊपर से काजू और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। इसको हमने गार्निश कर दिया है। अब ठंडा होने के लिए कम से कम 3 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से सेट हो चुका है और ये एकदम ठंडा हो चुका है। अब इसको हम काट के दिखाते हैं आपको। काटने के लिए आप मनचाहे शेप में काट लीजिए, लंबा या चौकोर, जैसा भी शेप आपको पसंद है वैसे पीसेस आप कर लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना शाइनी शाइनी ये हलवा बन करके, यानी कि मिठाई बन करके ये तैयार हो गई है। एकदम है ना हलवाई स्टाइल, एकदम हलवाई जैसी बन करके ये तैयार हो गई है। तो दोस्तों आप भी बनाइए, खाइए। इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप भी अपने घर पर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में बनी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।